नमस्कार, मैं प्रिया। आज 23 जुलाई, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 46,000 के करीब। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 28 जुलाई को 1528 मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं 27 जुलाई को 800 नए मामलों की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद दोनों आंकड़ों को मिलाकर बिहार में कुल 2328 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं बीते दिन तक कुल संख्या 45,919 पर पहुंच गई है। अगर प्रभावित जिलों की हम बात करें तो अररिया में 48, अरवल में 22, औरंगाबाद में 109, बांका में 20, बेगूसराय में 70, भागलपुर में 57, भोजपुर में 161, बक्सर में 59, दरभंगा में 21, पूर्वी चंपारण में 76, गया में 72, गोपालगंज में 42, जमुई में 24, जहानाबाद में 38, कैमूर में 37, कटिहार में 65, खगड़िया में 59, किशनगंज में 40, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 29, मधुबनी में 33, मुंगेर में 37, मुजफ्फरपुर में 34, नालंदा में 116, नवादा में 29, पटना में 337, पूर्णिया में 70, रोहतास में 125, सहरसा में 32, समस्तीपुर में 49, सारण में 120, शेखपुरा में 25, शिवहर में 17, सीतामढ़ी में 12, सिवान में 53, सुपौल में 30, वैशाली में 54, पश्चिम चंपारण में 97 मामले सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम बीते 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 30,504 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक कोविड-19 की वजह से 273 लोगों की जान जा चुकी है। अनलॉक के तीसरे चरण के लिए जारी किए गए गाइडलाइन। देश में कोविड-19 के बढ़ते आंकड़ों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक के तीसरे चरण के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक रात को अब बंद के नियमों का पालन नहीं करवाया जाएगा। स्कूल कॉलेज सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगह पर योगा और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है। हालांकि इन सब के परिचालन की तारीख तय नहीं की गई है। कोविड-19 के इस माहौल में बिहार में दो कंपनियों ने निवेश करने की जताई इच्छा। कोविड-19 के इस माहौल में बंद पड़े सभी कारोबार के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के उद्योग जगत में नए निवेशकों ने बिहार की तरफ अपनी रुचि दिखाई है। बिहार में दो कंपनियां राज्य में 325 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली है। मध्य प्रदेश के एक पाइप निर्माता कंपनी यहां पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने को तैयार है। वहीं बिहार की एक बिस्कुट निर्माता कंपनी भी यहां पर एक बड़ा प्लांट लगाना चाहती है। अगर नई कंपनियां बिहार में निवेश करती हैं तो रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। बिहार के 3 आईएएस अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग में किया गया प्रतिनियुक्त। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष मुहिम के तहत 3 आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। कोविड-19 के माहौल को देखते हुए इन आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत आपदा प्रबंधन विभाग के ओएसडी संजय कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव राजीव रोशन को और समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार को स्वास्थ्य विभाग में तैनात किया गया है। ये तीनों आईएएस अधिकारी स्वास्थ्य प्रधान सचिव को कोविड-19 की इस परिस्थिति का सामना करने में मदद करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को मिला था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने खुद राजीव नगर थाना पहुंचकर मामले को दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ मिला है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत के पिता के सिंह और उनके परिवार के द्वारा सीएम नीतीश कुमार से कांटेक्ट किए जाने के बाद ही मामला दर्ज करवाया गया है। इस दौरान परिजनों ने कुछ स्पष्ट सबूत सीएमओ के सामने रखे थे। पूरा मैटर समझने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की जाँच के लिए सहमति दी है। बिहार में हर दिन 12,000 एंटीजन जांच का लक्ष्य किया गया तय। बिहार में कोविड-19 के बेलगाम बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए हर दिन एंटीजन किट से 12,000 जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे बिहार में हर दिन कोविड-19 की जांच करने की क्षमता 25,000 से अधिक मानी जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देश, सभी जिलों और प्रमंडलवार एंटीजन किट के जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 750 एंटीजन जांच किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई महीने से 23 लाख नए राशन कार्डधारियों को मिलेगा 5 किलो अनाज। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार बिहार में 23,38,990 नए राशन कार्डधारियों को जन वितरण प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। एक परिवार को जुलाई महीने में जन वितरण प्रणाली के तहत प्रति सदस्य 5 किलो अनाज के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी उतनी ही मात्रा में मुफ्त अनाज और प्रति परिवार 1 किलो चना और दाल का लाभ दिए जाने की बात कही गई है। उन्होंने बताया है कि कई परिवार को राशन कार्ड दिए जा चुके हैं, बाकी बचे परिवार को भी जल्द ही राशन कार्ड मुहैया करवा दिया जाएगा।
बिहार के 12 जिलों के करीब 30 लाख लोग हुए बाढ़ से प्रभावित। कोविड-19 से परेशान चल रहे बिहारवासी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार बाढ़ की समस्या से जूझ रहे गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, समस्तीपुर और सारण का नाम शामिल है, जहां पर कुल मिलाकर 837 पंचायत प्रभावित है। इन जिलों में लगभग 30 लाख प्रभावितों की संख्या मौजूद है। वहीं जारी किए गए जानकारी के अनुसार बीते दिन तक 24 घंटे में बाढ़ की वजह से 8 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें दरभंगा के 4 और पश्चिम चंपारण के 4 लोगों का नाम शामिल है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नेहा शर्मा की। क्रूक फिल्म से बॉलीवुड में जगह बनाने वाली नेहा शर्मा का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। नेहा शर्मा ने एक्टिंग करियर में आने से पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई पूरी की थी। हालांकि नेहा शर्मा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म से की थी, जो कि 28 सितंबर 2007 को रिलीज हुई थी। वहीं बॉलीवुड में उन्होंने इमरान हाशमी के साथ क्रूक में काम किया था। इतना ही नहीं, नेहा शर्मा ने तेरी मेरी कहानी और क्या सुपर कूल है हम जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इसके साथ ही नेहा शर्मा ने यंगिस्तान, कीर्ति, तुम बिन टू, मुबारका, तानाजी जैसे कई फिल्मों में भी अहम रोल निभाया है। प्रत्यय अमृत के बाद मंगल पांडे पहुंचे पीपीई किट पहनकर एम्स का निरीक्षण करने। स्वास्थ्य विभाग की कुर्सी संभालने के बाद से प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के एक्शन मोड में आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री भी अब एक्शन मोड में आ गए हैं। और यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी बीते दिन पीपीई किट पहनकर एम्स में भर्ती मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे थे। इसके बाद एम्स के अधीक्षक एवं अन्य डॉक्टरों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में फेल साबित हो रहे स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा चिट्ठा पूर्व प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत पर फोड़ दिया है। बकरीद के दौरान सामूहिक आयोजन पर लगाई गई रोक। कोविड-19 ने अब अपनी चपेट में बकरीद के त्यौहार को भी ले लिया है। बिहार में बकरीद के दौरान सामूहिक आयोजन पर इसी को ध्यान में रखते हुए रोक लगा दी गई है। इस मामले में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने प्रशासनिक सख्ती को बढ़ाते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के तहत डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिया है। डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है कि हर त्यौहार के दौरान कोविड-19 के माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना अनिवार्य है। इसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जल्द ही लाउडस्पीकर लगाकर घरों में रहने की अपील की जाएगी। साथ ही जोन और सेक्टर में विधि व्यवस्था को ध्यान में रखकर जिलों को बांटा जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सामने आने के बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले ने तुल पकड़ ली है। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए कई नेता भी सामने आए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत के दौरान कहा है कि मैं सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की जानकारी सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा की है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस आगे आए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस दोनों ने राहत कार्य के लिए असम में दान देने के बाद बिहार को भी दान देने की जानकारी दी है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया से साझा की है। प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर पर कहा है कि उन्होंने बचाव कार्य हेतु असम और बिहार के बाढ़ राहत संगठनों को सहायता राशि भेज दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फैंस को भी मदद के लिए डोनेशन देने की बात कही है। राजधानी पटना में बड़ी मशीनों से सैनिटाइजेशन का काम हुआ शुरू। राजधानी पटना में कोविड-19 के बेलगाम बढ़ रहे मामलों को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए बड़ी मशीनों से सैनिटाइजेशन कैंपेन चलाए जाने का फैसला सुनाया गया है। पटना नगर निगम क्षेत्र में जोर शोर से सैनिटाइजेशन मुहिम चलाई जा रही है। कोविड-19 का फैलाव ना हो, इसके लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष तौर पर चिन्हित कर सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सैनिटाइजेशन के कार्यों का जायजा लिया है। गोपालगंज समेत 16 जिलों में बारिश की जताई गई संभावना। बिहार में कोविड-19 के साथ साथ बाढ़ और भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, अररिया समेत 16 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर समेत 22 जिलों में 1 अगस्त तक मौसम सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई है। बिहार में विक्रमशिला के समानांतर पुल निर्माण को मिली अनुमति। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले नए पुल को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्तर पर विभागीय एक्सपेंडिचर फाइनेंस समिति ने विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल के निर्माण की अनुमति दे दी है। इसके निर्माण में कुल मिलाकर 1,116.72 करोड़ रुपए खर्चाने का अनुमान फिलहाल लगाया गया है। इतना ही नहीं, इस पुल को बनने में 4 साल समय लगने की बात भी कही गई है, जिसकी जानकारी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने दी है। और साथ ही बताया है कि 4.67 किलोमीटर लंबे पुल में 68 पाया मौजूद होंगे और इस पुल के निर्माण के लिए 21.3 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी।
रेरा चीफ ने बिहार सरकार को दिल्ली महाराष्ट्र से सीख लेने की दी नसीहत। बिहार सरकार में पूर्व स्वास्थ्य सचिव और वर्तमान में रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह ने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल हो रही स्थिति की पोल खोल दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कोविड-19 के रोकथाम के दौरान लचर प्रशासनिक व्यवस्था पर दुख जताया है, जिसके तहत उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जनवरी से लेकर के अब तक कोविड-19 से बचाव के लिए कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन की दुर्गति हो चुकी है, सिस्टम की हालत खराब है। इसकी वजह से अधिकारी मुख्यमंत्री और मंत्री को सलाह देने और सच बताने से घबराते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली की तर्ज पर बिहार सरकार को काम शुरू कर देना चाहिए। सरकार ने दरभंगा के बाढ़ प्रभावितों को दी आर्थिक सहायता। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से लगातार इन जिलों में राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। दरभंगा में भी जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावितों के बीच सहायता राशि का भुगतान किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा जिले के कुल 64,095 बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति परिवार 6,000 की दर से कुल 53,47,74,000 रुपए पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से उनके खाते में भेजा गया है। बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बाघ को लेकर कही अहम बात। बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर बिहार से भी अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह बताया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 31 बाघ और 8 शावक देखे गए हैं। इस रिजर्व को मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन के आधार पर बहुत अच्छी की श्रेणी में रखा गया है। मोदी ने कहा है कि यहाँ बाघों के अधिवास प्रबंधन के तहत 1500 हेक्टेयर में नए घास के मैदान बनाए गए हैं, 500 हेक्टेयर में खपतवार हटाए गए हैं। क्षेत्र में 32 विभिन्न प्रजातियों के जानवर की बहुलता और गर्मी के दिनों में पीने के पानी की उपलब्धता के लिए 22 वाटर होल के निर्माण आदि के कारण बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में लॉकडाउन की खबर निकली गलत। बिहार में लॉकडाउन की खबरों को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसके तहत विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर लॉकडाउन से संबंधित खबर जो फैलाई जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं एक मीडिया हाउस ने भी साफ तौर पर कहा है कि बिहार में लॉकडाउन पर अभी चर्चा होनी बाकी है। आपको बता दें, बिहार में कोविड-19 के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में बंद को और आगे बढ़ाए जाने पर सोच विचार जारी है। टेट और सी टेट अभ्यर्थियों के समर्थन में आए उपेंद्र कुशवाहा। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए टेट और सी टेट अभ्यर्थियों ने ट्वीट करके साफ तौर पर कहा कि अगर शिक्षक नियोजन नहीं हुआ तो इस बार शिक्षकों की तरफ से वोट भी नहीं दिए जाएंगे, जिसके बाद इस ट्वीट का समर्थन करने विपक्षी दल के उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य नेताओं को मैदान में देखा गया। मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों का कहना है कि नियोजन प्रक्रिया में बदलाव के कारण भी कोर्ट में मामला फंस गया है। वहीं रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नियोजन प्रक्रिया लटकाकर सरकार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम अभ्यर्थियों के साथ हैं। हम के वर्चुअल रैली की तैयारी हुई पूरी। हम प्रमुख जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में शुरू होने वाली वर्चुअल रैली की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं आज मांझी कार्यकर्ताओं और जनता को वर्चुअल तौर पर संबोधित करने वाले हैं। जहां एक तरफ विपक्षी दल लगातार वर्चुअल रैली का विरोध करती आ रही थी, वहीं अब धीरे धीरे करके विपक्षी दल भी रैलियों का आयोजन करवा रही है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं और आम जनता को शाम 5 बजे के लगभग अपने आवास से हम प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करने वाले हैं। राजद के सहयोगियों ने अन्य दलों के सामने रखी शर्त। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में बातचीत लगातार जारी है। इस बीच राजद नेता ने सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर अपने सहयोगियों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राजद नेताओं ने साफ तौर पर अन्य दलों के सामने अनोखी शर्त रखी है, जिसके तहत राजद ने महागठबंधन में शामिल बाकी सहयोगी पार्टियों को साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने के बाद ही सीट शेयरिंग के मसले पर कोई बातचीत होगी, उससे पहले इस मसले पर कोई बातचीत की उम्मीद नहीं है। नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। एचआरडी मंत्रालय का भी नाम बदल दिया गया है, जिसके बाद अब एचआरडी मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। बीते 34 साल में शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए यह बदलाव बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया है कि व्यवस्था में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का जुड़ाव किया गया है, जिसके तहत अब छात्रों को एग्जिट एग्जाम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। टिकटॉक यूजर्स को रील्स ज्वाइन करने के लिए पैसे दे रहा है फेसबुक। भारत चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद, साथ ही डेटा सुरक्षा संबंधित मुद्दों को लेकर टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर लगाए गए बंद के बाद फेसबुक पूरी तरीके से टिकटॉक यूजर को इंस्टाग्राम पर रील्स के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक उन टिकटॉक यूजर को रील्स पर आने के लिए लाखों रुपए ऑफर कर रहा है जिनके टिकटॉक पर फॉलोअर्स का
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सूची कुमारी, श्रुति कुमारी, प्रदीप कुमार, यशवंत कुमार, श्यामजी पंडित, वरुण कुमार, नितेश कुमार, तंजील मोहम्मद, मुकेश कुमार, सुनील कुमार सिंह, अनिता कुमारी, पृथ्वी चंद मंडल, सुजीत कुमार, दीपक कुमार, सूरज यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, स्कूल बंद होने के कारण छात्रों को करवाए जा रहे ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही है, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।